आज दिनांक 21 मई 2022 पुलिस अधीक्षक बहराइच श्री केशव कुमार चौधरी द्वारा जिला चिकित्सालय बहराइच में लखनऊ बहराइच राजमार्ग कोतवाली देहात क्षेत्र में घटित भीषण हादसा जिसमें नेपाल जा रही एक टूरिस्ट बस एक टैंकर से टकरा गई, जिसमें 3 लोगों की मौत व 11 लोग घायल हुए हैं। घायलों से मिलकर उनका कुशल क्षेम जाना गया एवं उन्हें हर संभव सहायता हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। घायल है इसमें और कितने की मौत हुई? कोतवाली देहात के बलुआ घाट के पास एक ट्रेवलर गाड़ी और एक टैंकर में टकरा हुई, जिसमें दोनों ही वाहनों को उन्नीस लोग सवार थे, जिसमें से 3 लोगों की मृत्यु हो गई, 4 अन्य जो है गंभीर रूप से घायल हैं, 7 लोग सामान्य चुके हैं और अन्य 5 लोग ठीक हैं। सभी घायलों को यहाँ जिला अस्पताल में